कानपुर नगर से है। अमन और शांति बहाल रखें, कोई भी बेकसूर गिरफ्तार नहीं होगा, जो हुए हैं वो रिहा होंगे। अपने निर्धारित कार्यक्रम अनुसार शहर काजी कानपुर नगर मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साकिब अदीब मिसाबाही, नायब शहर काजी मोहम्मद सगीर आलम आदि लोग बेगमगंज स्थित रूपम चौराहा गरीब नवाज हाल में शहर के हालात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शहर हमारा है, इसके अमन और शांति की जिम्मेदारी भी हमारी है, इसलिए हर हाल में अमन और शांति बनाए रखें तथा कोई भी ऐसा काम ना करे जिसकी वजह से हमारे शहर और मुल्क का नाम दागदार हो। गत दिनों शहर में हुई हिंसक घटना यकीनन तौर पर निंदनीय है, जिसमें हमारा शहर बदनाम हुआ है और वर्षों से साथ रह रहे एक दूसरे के सुख दुख में साथी हिंदू मुसलमान आपस में टकरा गए, ये दुख की बात है। इससे हमारी गंगा यमुना तहजीब भी धूमिल हुई है, दुनिया में मशहूर हमारे लोकतंत्र को भी धक्का पहुंचा है। इसलिए जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, अब हमें चाहिए कि अपनी वर्षों पुरानी परंपराओं का लिहाज करते हुए दिल बड़ा करें, एक दूसरे को माफ करें, आगे बढ़ें। शहर को अमन और शांति सर्वप्रथम है, इसके लिए सब मिलकर साथ काम करें। हमने शहर कानपुर के लिए एक अपील जारी करी है, अमन व अमान बनाए रखें, यानी कि अमन बरकरार रहेगा तो सब लोग सलामत रहेंगे। किसी तरीके का कोई रूमर, किसी तरीके की कोई अफवाहों पर ध्यान न दें। जिस तरीके से हमारा शहर पुरसुकून चल रहा है, इसी तरीके से इंशाल्लाह हमेशा चलता रहेगा। और पिछले दो चार दिनों में जो पीछे घटना हुई वो गलत तरीके से हुई, नहीं होना चाहिए था, उसकी सब मरम्मत करते हैं। हम जो लोग उस घटना में बेकसूर गिरफ्तार हुए हैं या जो लोग उठा लिए गए हैं या जो लोग बेकसूर जेल भेज दिए गए हैं, हमारी कमिश्नर साहब से बात हुई है, बात चल रही है, सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह ताला वो सब रिहा होंगे। गिरफ्तार जो जेल चले गए हैं उनको भी रिहा किया जाएगा, जो लोग गिरफ्तार होकर के जेल चले गए उनको भी रिहा किया जाएगा, बेकसूर जो हुए हैं, जो गिरफ़्तार बेकसूर हुए हैं उनको भी रिहा किया जाएगा। और हम अपील करते हैं मुसलमानाने शहर कानपुर से, शहर कानपुर के लोगों से, के शहर में किसी तरीके की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं और ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, बिल्कुल जब तक कि किसी बड़े की तरफ से कोई बात नहीं आती है, जब तक आप कंफर्म न कर लें, उस वक्त तक किसी भी बात पर ध्यान न रखें। और अगर कोई रूमर फैलाता है या कुछ करता है तो आप जो है मुझसे रابطہ करें। और जो लोग बेकसूर गिरफ़्तार हो गए हैं या जो लोग बेकसूर उठा लिए गए हैं वो मुझसे रابطہ करें, रابطہ कर दें, रابطہ करके इंशाल्लाह ताला अगर वो बेकसूर हैं और उनको छोड़ दिया जाएगा। मैंने पहली लिस्ट कमिश्नर साहब के हवाले कर दी है और उनसे हमारी बात हुई है और इंशाल्लाह ताला उसकी वो पाए तकमील तक पहुंचने के बाद उनको रिहा कर दिया जाएगा। और हम गुजारिश करते हैं शहर के तमाम लोगों से कि जिस तरीके से आप यातायात चल रहा है, जिस तरीके से दुकानें खुल रही हैं, जिस तरीके से लोग मुतमईन हैं, जो भय का जो माहौल था वो ख़त्म हो गया है, अब इंशाअल्लाह ताला वैसे ही अमन अमान कायम रहेगा, भय का माहौल ख़त्म होगा और ख़त्म होने के साथ साथ जो तमाम चीज़ें हैं जो हो गई हैं शहर में वो सब ख़त्म हो जाएंगी। फिर अपने दिल बड़े करके जो कुछ आपसे मामलात हैं उसको ख़त्म करिए, एक दूसरे के गले मिलिए और मोहब्बत और अमन का पैगाम दीजिए, ताकि हमारा शहर भी दागदार न होने पावे और हमारे मुल्क का वक़ार भी दांव पर न लगने पावे, और इंशाअल्लाह ताला हमारा शहर और हमारा मुल्क दागदार होने से बच जाएगा। बड़े दिल करके अपने मामलात को सही करें और जिस तरीके से खुश दिली के साथ जो शहर चल रहा था वैसे ही इंशाल्लाह चलता रहेगा। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।